गाइज यूट्यूब पर बहुत से लोग आते हैं, चैनल बनाते हैं और चले जाते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर कुछ करके वही लोग दिखाते हैं जो हमेशा हार नहीं मानते, हमेशा रेगुलर वर्क करते रहते हैं। और दोस्तों जिस इंसान का एक चैनल डिलीट होने के बावजूद दूसरे चैनल पे इतनी जल्दी इतना अच्छा मुकाम हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता है। तो गाइज आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ नित्या के सपोर्ट सर से, जिनका दोस्तों आपको पता है पहले चैनल पे कितने ज्यादा सब्सक्राइबर थे, उनका चैनल डिलीट होने के बाद दूसरे चैनल पे दोस्तों 1,00,000+ सब्सक्राइबर हासिल किए। पूरी जर्नी उनकी कैसी रही है सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। और दोस्तों आज उनके ही मुंह से आप उनकी जर्नी सुनेंगे, उनसे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जो आपके लिए काफी मोटिवेट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नित्या सर जी, मैं आपसे सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। सबसे पहले तो सरिता पटेल जी के जितनी भी ऑडियंस हैं उन सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और आज मैं इनके चैनल पे आया हूँ, सरिता जी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं अपने ऑडियंस के लिए, तो उन्हीं का जवाब मैं जो है इनके चैनल पे देने आया हूँ। तो सरिता जी आप पूछ सकती हैं जो भी मुझसे सवाल पूछना चाहती हैं। और मेरा नाम नित्या है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूँ, और मैं पिछले 7 सालों से लगभग यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। मेरा एक चैनल था जिस चैनल पे लगभग 4.5 मिलियन मतलब कि 45 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, और सितंबर 2021 में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मेरा वो चैनल जो है यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया। अब आपके मन में होगा कि वो प्रॉब्लम क्या थी, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके फैमिली मेंबर के बच्चे हैं या फिर आपकी वाइफ हैं या फिर कोई भी आपके फैमिली मेंबर में बाहर जाता है, देर तक लौट के नहीं आता है, तो आप उनकी लोकेशन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं सेफ्टी फीचर्स या फिर सेफ्टी पर्पज़ से। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज जो थी 2021 के पहले कुछ और थी, और 2021 में पॉलिसीज को चेंज कर दिया गया। जैसा आप जानते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज कुछ कुछ सालों पे चेंज होती रहती हैं, तो उस समय जब पॉलिसी चेंज हुआ तो यूट्यूब को ये लगा कि मैंने जो है कोई वायलेशन किया है, और मैं अगर लोकेशन बता रहा हूँ तो ये एक तरीके की हैकिंग है। और यूट्यूब आपको पता है कि विदेशी कंपनी है, हिंदी चीज़ों को काफ़ी कम समझती है, तो जो स्टाफ्स थे वो चीज़ों को नहीं समझ पाए और उन्होंने चैनल को जो है टर्मिनेट कर दिया। तो काफ़ी दुख भरी जर्नी थी उस टाइम, जो है काफ़ी दुख हुआ। किसी चीज़ पे आप 5-6 साल मेहनत करो और वो चीज़ अगर आपको छोड़ के चली जाए तो लगता है कि कोई अपना जो है इस दुनिया से चला गया। तो काफ़ी दुख भरे टाइम से गुजरा हूँ, लेकिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट था कि फिर से एक बार जो है हम उस मकाम पे तो नहीं लेकिन उस रास्ते पे जरूर आ चुके हैं। तो सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि YouTube पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वो भी इतने कम समय में हासिल करना कोई आम बात तो होती नहीं है। आपने अपने चैनल को इतनी जल्दी ग्रो किया है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को हासिल किया है, तो आखिर आपने इसके पीछे क्या चीज़ को अपनाया, आपने किस तरीके से मेहनत की, आप हमारी ऑडियंस को बताइए जिससे वो लोग भी थोड़ा मोटिवेट हों और यूट्यूब पर काम करने के लिए आगे बढ़े। देखिए सरिता जी, जब मैं YouTube पे पहले भी जब मैं काम करता था और आज भी मैंने जब YouTube पे काम करना दोबारा से शुरू किया था, तो मैंने कभी भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर के बारे में नहीं सोचा। जबकि जो भी लोग YouTube पे आते हैं उनको दो ही चीज़ें दिखती हैं, एक व्यूज़ और एक सब्सक्राइबर। मतलब वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे वीडियो पे व्यूज़ आ जाए और जल्द से जल्द मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ऑडियंस को कि जो लोग यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं वो अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर पे ध्यान देने के बजाय अपने कंटेंट पे अगर ध्यान दे, अपने वीडियो पे अगर ध्यान दे कि मैं कितनी अच्छी से अच्छे तरीके से वीडियो बना सकता हूँ, तो उनको ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ज़्यादातर लोगों के मन में क्या होता है, यार मैंने तो वीडियो अपलोड कर दिया, वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं जा रहे हैं, और उस चीज़ को देख के लोग डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो परेशान हो जाते हैं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं सरिता जी कि आप भी एक यूट्यूबर हैं और मैं भी एक यूट्यूबर हूं। क्या आप बताइए कि एक टाइम में जब आपने अपना चैनल बनाया था तो आप अपनी सब्सक्राइबर्स को देखती थी, गिनती थी कि आज एक बढ़े दो बढ़े, ठीक है? क्या आज के डेट में आप अपने सब्सक्राइबर्स को गिन पाती हैं जब आपके वीडियो चलते हैं या वीडियो वायरल हो जाते हैं? तो आप अपने सब्सक्राइबर को गिन ही नहीं पाइएगा, आप अपने व्यूज को ही नहीं गिन पाइएगा, क्योंकि जब
यूट्यूब पे लोग नए आते हैं उसी टाइम पता चलता है कि हमारे 1 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं या 10 बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार आपके चैनल ने ग्रोथ पकड़ ली, एक बार आपका चैनल ग्रो हो गया, तो उसके बाद आप अपने सब्सक्राइबर और व्यूज को नहीं गिन सकते। जी जी। तो यही चीज होती है, मैं यही चीज कहूंगा कि यूट्यूब पे अगर आपने चैनल को ग्रो करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिक कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकती हूँ, उसके बाद क्या अच्छा से अच्छा थंबनेल लगा सकता हूँ, उसके बाद किस तरीके से मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग अच्छे तरीके से डाल सकता हूँ, और उसके बाद एक चीज, पेशेंस। जी जी। काफी लोग यूट्यूब पे आते हैं तो तुरंत सोचते हैं कि तुरंत मेरे चैनल पे व्यूज आ जाए, तुरंत मेरा चैनल ग्रो हो जाए, तुरंत मेरी वीडियो चल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तुरंत तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपको भूख भी लगी है तो खाना बनने में भी टाइम लगता है, ठीक है, तो हर चीज में टाइम। अब आप सोचिए कि एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए 20-25 हज़ार की अगर आपको नौकरी भी करनी है तो उसके लिए भी आपको कितना, कौन कौन सी डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, कौन कौन से जो है पढ़ाई करनी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं कॉलेजेस में, तब जाके आप कहीं 20-25 हज़ार की नौकरी कर पाते हो। और YouTube तो आपको सब कुछ फ्री में दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे लगने नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है और मेहनत करनी है, ठीक है। तो यही सफलता का बस नियम है। जी तो गाइज, आप लोगों ने सुन लिया, सर ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है कि अगर आप लोगों का भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा है या आप लोग भी अपने सब्सक्राइबर और व्यूज को गिनते जा रहे हो तो भाई आज से ही बंद कर दो, क्योंकि देखिए सक्सेस की जो स्टोरी है वो दोस्तों एक सक्सेसफुल पीपल ही बता सकता है। और अगर आपको कोई इतना बड़ा यूट्यूबर ये चीज बता रहा है तो इस चीज को आपको फॉलो करना चाहिए और आज से ही आप अपने कॉन्टेंट पे फोकस कर दीजिए, क्योंकि ये चीजें बताने वाला, जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल तो कोई भी नहीं था सपोर्ट में, ना मेरी किसी से जान पहचान थी, ना मेरा कोई फ्रेंड यूट्यूबर था कि जिसके थ्रू मुझे ये चीजें पता चल सके। पर आज आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से काम कीजिए और सर ने जितना भी कुछ आपको बताया सब चीज को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि जो नए क्रिएटर होते हैं उनका चैनल ग्रो नहीं होता है, उनके चैनल पे 10 व्यूज आते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने चैनल पे व्यूज को बढ़ा सके, तो व्यूज उनके चैनल पे कैसे बढ़ेंगे, आपके पास अगर कोई तरीका है तो आप लोग आप बताइए ऑडियंस के लिए। देखिए सरिता जी, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लोग YouTube पे स्टार्ट करते हैं तो 10-20 व्यू आते थे। हमने जब YouTube पे स्टार्ट किया था तो हमारे 3-4 व्यूज आते थे, इससे ज्यादा व्यूज नहीं आते थे खुद से। तो हम क्या गलतियां करते थे कि हम लोगों को शेयर करना वीडियो शुरू कर देते थे। अब इस साइंस को समझिएगा, इस एल्गोरिथम को समझिएगा कि आप कैसे अपने ही चैनल को बर्बाद करते हैं, ठीक है, आप अपने ही चैनल को कैसे बर्बाद करते हैं शुरुआत में ही, ये मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। जब हम चैनल बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो शुरुआत में ही हम गलतियां क्या करते हैं कि वीडियो को शेयर करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जबरदस्ती भेजते हैं। जैसे आप फ्रेंड हैं या फिर कोई भी फ्रेंड है, जितने भी फ्रेंड हैं उनको जबरदस्ती हम वीडियो भेजते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, बात को समझिएगा। अब जैसे ही हमने उनके पास अपने लिंक को भेजा, उन्होंने, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो जानते हैं कि आप वीडियो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, आपके वीडियो को बस खोला और आपकी 5 मिनट की वीडियो है तो 5-6 सेकंड देख लिया, 10 सेकंड देख लिया और बंद कर दिया जी। अब इसका कितना बड़ा इफेक्ट आपके चैनल पे पड़ता है, इससे क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम समझिएगा सबसे पहले। अगर आपकी कोई 5 मिनट की वीडियो है और उस 5 मिनट के वीडियो को अगर कोई 3 मिनट देख रहा है तो YouTube उसको ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेगा लोगों के पास कि अरे यार इस वीडियो को 3 मिनट देखा जा रहा है, मतलब कि इस वीडियो में कुछ अच्छी खास बात है, ठीक है। अगर किसी वीडियो को खोलते ही बंद किया जा रहा है, जैसे कि 5 मिनट की वीडियो है उसे 5 सेकंड या 10 सेकंड खोल के बंद कर दिया जा रहा है, मतलब कि वो वीडियो YouTube के नजर में अच्छी नहीं है। अब यूट्यूब सभी के वीडियोज को देख तो नहीं सकता, लेकिन उसका जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि वो पता लगा लेता है कि किस वीडियो को ज्यादा देर देखा जा रहा है, मतलब कि वो वीडियो अच्छी है, उसे ज्यादा प्रमोट करो, ज्यादा रिकमेंड करो, और किसी वीडियो को अगर कम देखी जा रही है, मतलब कि वो वीडियो अच्छी नहीं है, उसे रिकमेंड मत करो। बस इतनी सी साइंस है। अब जब लोग यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं तो लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं और शेयर करने के कारण ही उनके वीडियोस पे 5-10 व्यू जाके रुक जाते हैं। जी जी। अब देखिए वीडियो वायरल कैसे होता है, वीडियो चलता कैसे, वो आपको बताते हैं। किसी ने वीडियो बनाया किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे या फिर कोई यूनिक कंटेंट बनाया, अब उस वीडियो को लोग टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग लिखते हैं, कभी भी उस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए जी।
उस वीडियो पे आपका रिस्पांस आएगा, हो सकता है एक दिन में आ जाए, दो दिन में आ जाए, तीन दिन में आ जाए, दस दिन में आ जाए, पंद्रह दिन में आ जाए। मैंने एक एक साल वीडियो, एक एक साल बाद वीडियो को वायरल होते हुए देखा है। हाँ, होती है। कैसे वायरल होता है? क्योंकि वो टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग आपके ऑटोमेटिक रैंक करना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपके जेन्युइन होते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वीडियो चलती है। तो आपको क्या करना है, जब आपके 10-20-30 व्यूज आ रहे हैं और आप अगर व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहली गलती जो आप शेयरिंग करते हैं वो बंद कर दीजिए, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आप ध्यान दीजिए SEO पर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। मतलब कि मैंने जैसे अपने वीडियोस में बताया है कि आप जब भी टाइटल डालते हैं तो गूगल से पीपल आल्सो आस्क या फिर क्या लोगों ने सर्च किया है, उस चीज को आप टारगेट कीजिए। अपने जो योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप मेंशन कीजिए, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को, AI को ये लगेगा कि आपने इन बातों का जवाब दिया है जो लोग एक्चुअली पूछ रहे हैं। और आपको पता है कि यूट्यूब और गूगल दोनों के सर्च इंजन सेम है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो YouTube आपकी वीडियो उन लोगों तक ऑटोमेटिक पहुंचाएगा जिन लोगों की आपकी वीडियो की जरूरत है। अब यहाँ पे लोग करते क्या है, जबरदस्ती किसी को रसगुल्ला खिलाएंगे तो एक बार तो चलो खा लेगा, लेकिन बार बार तो नहीं खा सकता। लेकिन जिसे भूख लगी है, जिसे रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, अगर उसके पास रसगुल्ला रखा जाए तो वो बहुत ही शौक से खाएगा। बस यही फर्क है YouTube पे शेयरिंग में और ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक में। तो आपको मैं यही कहूंगा कि बस आप अपने कंटेंट पे फोकस करें, यूनिक कंटेंट बनाएं, ट्रेंडिंग कंटेंट बनाएं और SEO अच्छे से करें। शेयर कहीं भी मत करें, चाहे आपके वीडियो पे 2, 3, 5, 10 ही व्यूज क्यों ना आए, बस और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। तो गाइज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप लोगों को अपनी वीडियो को कभी भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है कि अभी आप किसी यूट्यूबर को मेंशन कर देते हो, वो आपकी वीडियो को देख लेता है, अपने कम्युनिटी में तुरंत के तुरंत उसको पोस्ट कर देता है। आप लोग तो खुश हो जाते हो कि मेरी वीडियो पे व्यूज आ जाएंगे, पर दोस्तों इस चीज़ से आपको हमेशा पीछे रहना है कि आपकी नज़र में जिस वीडियो पे व्यूज ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नज़र में वो वीडियो सही है तो वो यूट्यूब की नज़र में भी सही होगी। दोस्तों आपको अपनी नज़र से नहीं, आपको यूट्यूब की नज़र से काम करना है, ठीक है? तो आप लोग भी ऐसे काम कीजिए जिससे लोग ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो पे क्लिक करें, आपकी वीडियो पे जेन्युइन व्यूज आए। तो आप शेयर के माध्यम से जो व्यूज लेके आएंगे आपकी वीडियो कभी भी रैंक नहीं करेगी। तो सर ने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आज के बाद आप लोग भी अपनी वीडियो को शेयर बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि आपने जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो आपने किसको देखकर स्टार्ट किया था और आप YouTube पर कितने टाइम पहले आए थे? देखिए एक्चुअली मैं YouTube पे तो 2014 में आया था और उस टाइम पे मुझे YouTube की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मैंने चैनल भले ही बना लिया था लेकिन मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि थंबनेल क्या होता है, टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। तो मैंने वो वीडियो देखा था, एक धर्मेंद्र सर है जो मेरे गुरु हैं, जो लाखों लोगों के गुरु हैं और जिनको देख के आज बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है काफी अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं और वो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है आज की डेट में भी। तो उन्हीं की एक वीडियो जो है 2014 में उन्होंने 12 में बनाना स्टार्ट किया था और 2014 में मेरे सामने उनकी एक वीडियो आई थी जिनमें उन्होंने दिखाया कि यूट्यूब से हम इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तो उन्हीं के वीडियो को देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी करूं, मैं भी जैसे आज हमारे ऑडियंस हैं वो भी करना चाहते हैं, वैसे ही मैंने वहां से रिसर्चेस शुरू किया। अच्छा। किसी भी काम को जब आप करना चाहते हो तो रिसर्च सबसे पहली पॉइंट होती है कि आपको उस चीज की नॉलेज कितनी है, कितना आप रिसर्च कर पा रहे हो। तो मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे चीज़ें पता चली। उस समय जो है मैं एक स्टूडेंट था और ज़्यादा घर से पैसे भी नहीं मिलते थे, 2-3 हज़ार रुपये मिलते थे और पटना में हॉस्टल में रहता था और घर से पैसे लेने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है शर्म लगता था क्योंकि एक टाइम के बाद घर से आप पैसे लेने में काफ़ी दुख होता है। तो फिर उसके बाद मेरा घर भी अच्छा नहीं था, मैंने सोचा कि एक पहले सेटअप करते हैं, काम करना है तो सबसे पहले जो चीज़ जो है सेटअप करना ज़रूरी है। तो मैं जो है अपने जहाँ रहता था हॉस्टल वो छोड़ के और मैं घर पे ही आ गया और घर भी हमारा उतना अच्छा नहीं था। आज की डेट में आपको दिखता होगा कि नित्या का बहुत बड़ा बंगला है लेकिन पहले कभी मेरे छप्पड़ के जो है घर हुआ करते थे जिसपे ढलाई भी नहीं थी, बस ऐसे ही एक छप्पड़ का वो लगा हुआ था। तो उसी में जो है मैंने अपना सेटअप, एक टूटी हुई चौकी थी, लैपटॉप था और मैंने लकड़ी का ट्राईपोड बना के और वहीं से मैंने जो है यूट्यूब की अपनी जर्नी स्टार्ट की।
और मैं जब रूम में बंद रहता था तो कहते थे बहुत लोग कि पागल हो गया है, पता नहीं क्या करता है दिन भर रूम में बैठ के, कुछ समझ में नहीं आता जी। और 2014 से जर्नी स्टार्ट हुई, 2014 से 15 तक मैंने सिर्फ सीखा, एक साल अच्छा। तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, ट्राई किया बस चीज़ों अच्छा को, जैसे होता है ना साइंटिस्ट के तरह रिसर्चेज किए। फाइनली मैंने जो है 2015 से वीडियो बनाना शुरू किया और 2016 मार्च में मैंने अपना फर्स्ट पेमेंट लगभग 10,000 रुपये का लिया और फिर वहीं से जर्नी जो है शुरू हो गई और आज जो है सो आप सबके सामने हूँ। तो बहुत बहुत बधाई सर आपके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए। तो गाइस आप लोग भी देख सकते हैं कि अगर जिस इंसान के अंदर जुनून हो वो दोस्तों झोपड़ी से भी महल बना सकता है, और जिस इंसान को बिगाड़ने में मजा आता होगा तो वो महल को भी झोपड़ी बना सकता है। आप लोगों ने अच्छे से अपने जमाने में लाइव प्रूफ भी देखे होंगे। तो गाइस आप लोगों को भी इसी तरीके से मेहनत करनी है, हार नहीं माननी है, रेगुलर वर्क कीजिए, एक ना एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। जिन चीज़ों की आप लोग ख्वाहिश देख रहे हैं वो चीज़ें आपके पास भी होंगी। तो सर ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी कोई नया YouTube पे कोई भी नया व्यक्ति आता है वो ये सोचता है कि हम 5 महीने 6 महीने काम करेंगे और YouTube से हम बहुत अच्छी अर्निंग करने लगेंगे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई भी YouTube चैनल को स्टार्ट कर रहा है उसे कितना टाइम देना चाहिए YouTube पे जिसके बाद वो YouTube से पैसा कमा सके। देखिए सबसे पहली बात है सरिता जी की, कोई अगर सोचता है तो सोचने की कोई सीमा नहीं होती है। सोचने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि मैं आज चांद पे उड़ के जा सकता हूँ। सोचने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि मैं YouTube पे आऊंगा, तुरंत वीडियो डालूंगा, मेरे वीडियो चलने लगेंगे और तुरंत मैं पैसा कमा लूंगा। ये एक वहम होता है जो कि काफी लोगों के मन में होता है। तो YouTube पे जब लोग आते हैं, जब वीडियो अपलोड करते हैं, देखते हैं 1-2 व्यू 3 व्यू आ रहे हैं, तब उनका जो वो जो भ्रम है वो धीरे धीरे खत्म होता है कि नहीं यार यहाँ तो जो है बहुत मेहनत लगने वाली है। और जाहिर सी बात है कोई भी सफलता या कोई भी अच्छी चीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है जी। तो YouTube पे टाइम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप जो है बहुत, अगर YouTube पे आ गए और आपने तुरंत जो है सो मतलब चीजों को कर लिया, वीडियो को अपलोड किया, समय किस चीज में लगता है समझिए, समय लगता है आपको सीखने में। जैसे कि मेरा पहले कैटेगरी अलग था, मेरा कैटेगरी था मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड। यूट्यूब मेरा कैटेगरी नहीं था जी। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंसेस थे, यूट्यूब पे काम कैसे करते हैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने इस चैनल को इतनी तेजी से ग्रो कर लिया क्योंकि मुझे पहले से काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। अब जब यूट्यूब पे लोग आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती, जैसे कि थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एडिटिंग, कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे समझने में और सीखने में ही 3 से 6 महीने या फिर काफ़ी लोगों को 1 साल भी लग जाते हैं। तो समय इसी चीज़ में लगता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आपके लिए चैनल ग्रो करना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है जी। बस सिंपल सी चीजें हैं कि अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप आए, अच्छा कंटेंट बनाया और यूनिक कंटेंट बनाया, अच्छे से टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग डाला और कुछ दिनों में आपने चैनल को ग्रो कर लिया, मैक्सिमम 2 महीने या 3 महीने। लेकिन समय यहाँ पे लग जाता है चीजों को सीखने में। तो नए लोगों के लिए क्या है कि जब वो चैनल पे आते हैं जी। तो उनको सीखने में टाइम लग जाता है, मतलब कि लगभग 6 महीने से 1 साल लगभग लग सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं जिनको पहले से नॉलेज है कि काम कैसे करते हैं, तो उनके लिए 3 से 4 महीने काफी हैं चैनल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। तो गाइज आप लोगों ने सुन लिया होगा कि सर ने क्या बताया। गाइज आप लोगों ने एक डायलॉग तो हमेशा सुना होगा कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, पर दोस्तों हार्ड वर्क से हर कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस इज द की ऑफ सक्सेस। ये मैं आप लोगों से आज कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखिए हार्ड वर्क सभी करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करके ही इंसान मेहनत से रोटी कमाता है, वही खाता है। पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करके, एक्सपीरियंस से काम करके आज यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, वो लोग लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करके आप उतना ही पैसा कमा सकते हो जितने से आपका गुजारा हो सकता है, पर आप एक्सपीरियंस से उतना पैसा कमा सकते हो जितना दोस्तों आप लोग लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो आप लोग सोच सकते हैं आपको पहले एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद आप यूट्यूब पे अच्छे से काम कर सकते हो। और आते ही आप यूट्यूब टिप्स बिल्कुल भी मत दिया करो, क्योंकि आप लोग आते ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, यूट्यूब टिप्स देने लगते हो, तो इस चीज़ से आपका सबसे बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि आप लोग पहले किसी और कैटेगरी पे काम करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है
कि जो लोग YouTube पे हैं एक साल से दो साल से और जिन्होंने अपने YouTube चैनल पे 400 500 वीडियो इस तरीके से अपलोड कर दिए और उनके वीडियोस पे अभी तक व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो सर मतलब उन लोगों को अपनी वीडियोस के अंदर या अपने चैनल पे क्या चीज़ सुधार करनी चाहिए जिससे उनका चैनल थोड़ा बूस्ट हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसकी एग्जाम्पल मुझे किसी और की देने की जरूरत नहीं है सरिता जी, इसकी एग्जाम्पल आप खुद हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने जब अपना 2019 में चैनल स्टार्ट किया था तो आपने स्टडी से रिलेटेड 500 वीडियोस अपलोड कर दिए थे। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि यार ये वीडियोस नहीं चल रही है और ये नहीं हो रही हूँ मैं इसमें सक्सेस, तभी आपने जो है कंटेंट को चेंज किया और आप टेक कैटेगरी में आई और आज आप सक्सेसफुल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, आपने काफी वीडियो अपलोड कर दिया है फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप किसी अलग कैटेगरी में स्प्लिट कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको नई नई चीजें जो है सो ट्राई करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको एक जगह सक्सेस नहीं मिली, एक जगह नौकरी नहीं मिली तो आपने उसके पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मुझे एक नौकरी नहीं मिली, मुझे बैंक की नौकरी नहीं मिली तो मैं फौज की नौकरी कर लूंगा, मुझे फौज की नहीं मिली तो मैं किसी और की कर लूंगा, है ना। तो आपको ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं कि बस आपको कर रही हूँ वीडियो अपलोड या कर रहा हूँ और बस कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही उस पर नहीं, आपको हर पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये चीजें नहीं चल रही हैं तो अलग चीजें ट्राई करें, वो नहीं चली तो अलग चीजें ट्राई करें, कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी ही, है ना जी। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप लोग एक कैटेगरी पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही तो आप लोग अपनी कैटेगरी को चेंज करके देखो, क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए। तो गाइज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे काम मत कीजिए कि भेड़ चाल में रेगुलर मत चलिए, ठीक है। थोड़ा सा हटके अगर आप काम करेंगे तो शायद आपको सफलता जल्दी मिलेगी। तो सर ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया इस चीज़ का और आप लोगों ने भी सुना होगा जितने भी सर ने आपको टिप्स दिए हैं ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर का 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा है और सर ने जो भी एक्सपीरियंस किया है ये सब आपके साथ शेयर किया है आज। तो आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो जरूर कीजिए। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस है या कितने भी यूट्यूबर सही या कोई भी ऑडियंस सही ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझती है कि आखिर एक यूट्यूबर कितना पैसा यूट्यूब से कमा सकता है, तो आप ये बताइए आपकी मंथली इनकम कितनी है? देखिए सबसे बड़ी बात है सरिता जी कि आप की भी जो ऑडियंस है आप भी हैं वो तो आप लोग मुझे बखूबी जानते हैं, ज्यादातर लोग, कुछ ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, इवन ये शर्ट भी मैंने पहनी हुई है तो ये भी मैंने यूट्यूब की ही पैसों से पहनी हुई है, ठीक है। और मेरा जो सब कुछ है, मैंने बाइक खरीदे, कार खरीदे, मैंने अपने दो दो तीन तीन घर बनाए, तो सब कुछ मैंने जो है यूट्यूब के ही पैसों से किया है। और एक टाइम पे मेरी अर्निंग काफ़ी अच्छी थी, जब कंपटीशन कम था यूट्यूब पे तो मैंने काफ़ी अच्छी अर्निंग की थी। मैंने इतनी अर्निंग की थी कि एक एक दिन में मैं एक एक कार खरीद सकता था और आपको पता ही है कि एक कार की कीमत क्या होती है, तो उतनी मैंने अर्निंग की थी। लेकिन समय होता है, टाइम टू टाइम जो है चीज़ें बदलती रहती हैं और मेरी अर्निंग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं, मैंने वेबसाइट पे भी काम किया है, मैंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे भी काम किया है, लेकिन मेन अर्निंग सोर्स जो है मेरा यूट्यूब ही रहा है। तो आज की डेट की अगर बात करूँ तो इतना मतलब अर्न कर लेता हूँ कि हर महीने एक आईफोन या फिर एक बुलेट खरीद सकता हूँ, इतनी अर्निंग हो जाती है। बाकी अपने मैं सिर्फ आज के डेट में यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरे कुछ बिजनेसेस भी हैं और मैंने कुछ जो है सो रेंट वगैरह भी दिया हुआ है मैंने अपने घर को, तो वहाँ से भी मेरी कुछ अर्निंग हो जाती है। क्योंकि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन दुनिया है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप यूट्यूब पे तो काम करें ही, जैसे सरिता जी यूट्यूब पे भी काम करती हैं, साथ में पढ़ाती भी हैं बच्चों को ट्यूशन स्कूल, तो ये एक सोर्स बना रहता है। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब के अलावा कुछ अपने बिजनेसेस हैं, कुछ अपनी और भी चीजें हैं जिसको मैंने मेंटेन किया हुआ है। तो गाइज आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया होगा कि सर ने आखिर यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है। आप लोग सोच सकते हैं इंसान ने जो भी किया है सब कुछ यूट्यूब की कमाई से किया है, तो आज तक उसने कितना पैसा कमाया होगा। और सर ने अपने मुंह से खुद ही बता दिया है साफ साफ कि हाँ वो कितनी इनकम कर लेते हैं मंथली, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं।
तो अगर आपके अंदर जुनून है तो आप लोग अपनी लाइफ को चुटकियों में चेंज कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो वो रेगुलर मेहनत करने की। और दोस्तों जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये आपको इस वीडियो के अंदर पता लग गया होगा। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन की होगी, काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली होगी, अब आपकी कोई भी शिकायत नहीं रही होगी। जो भी टिप्स सर ने आपको दिए हैं उन सबको फॉलो कीजिए, उसके बाद आप यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कीजिए। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।